हम लोग जो है मिसेलियस एनसीईआरटी का जो है मिसेलियस एक्सरसाइज 2.2 आगे हम लोग चल रहे थे और आज भी उसी पर चल रहे हैं। कल जहाँ तक क्वेश्चन लगे हुए थे आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस आप करते चलो। फॉर्मूले मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, उसको रिवाइज करिए, तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से इनवर्स फंक्शन आएगा, ठीक है? तो आप देखें कल मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन तक मिसेलियस का हुआ था, आज 5 क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं और उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है मिसेलियस का। मिसेलियस का एरिया इनवर्स फंक्शन, ठीक है? तो आपको दिया है कॉस इनवर्स 4/5, प्लस कॉस इनवर्स 12/13, इक्वल आपको लाना है कॉस इनवर्स 33/65, ठीक है? तो LHS आप ले लीजिए, कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 12/13, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² इंटू 1 - y², ठीक है? ये फार्मूला हमने डेरिवेशन भी आपको कराया है, उसको देख लीजिएगा। अब देखो ये कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल कॉस इनवर्स एक्स की प्लेस पर 4/5, वाई की प्लेस पर 12/13, वो वैल्यू यहां पर रख दिया जाए, यक्स यानी 4/5, वाई 12/13 माइनस √1 - x², 1 - 4/5 का स्क्वायर करेंगे 16/25, √1 - y² 12/13 का स्क्वायर करेंगे 144/169, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 12 × 4 = 48, 13 × 5 = 65, -25 - 16 कितना 9/25 इंटू 169 - 144 25/169 एलसीएम लेंगे, 25 16 माइनस करेंगे 9 बचेगा, 169 एलसीएम हो जाएगा यहाँ, तो 169 - 144 25/48, इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये आपको हो जाएगा 3/5 इंटू 5/13, 9/25 का स्क्वायर रूट 3/5 हो जाएगा, 25/169 का स्क्वायर रूट 5/13 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 5 5 कैंसिल, या कोई दिक्कत नहीं, मत कैंसिल करिए, एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, 5 3 = 15/65, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 65 एलसीएम 48 - 15, तो 8 - 5 = 3 4 - 1 = 3, ठीक है? कोई समस्या? फार्मूला आपको अपडेट रहेगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन भी आपके अपडेट ही रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं रहेगा अपडेट तब आपको सोचना पड़ेगा, उसमें दिक्कत आपको आती रहेगी। तो कोई समस्या अगर है बताएं, नहीं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में,
cos inverse 12/13 plus sin inverse 2/5 इक्वल आपका दिया है साइन इनवर्स 56/65 साइन इनवर्स 56/65। देखो इस क्वेश्चन में जो आपको प्रूफ करना है वो साइन के फॉर्म में लाना, साइन इनवर्स 56/65। तो इसमें आपको प्रयास कीजिए कि जो कास इनवर्स दिया है इसको साइन इनवर्स में पहले कन्वर्ट कर लें। जब ये साइन इनवर्स हो जाएगा तो ये भी साइन इनवर्स, फिर हम फार्मूले को अपडेट करके अपना फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और साइन इनवर्स में इसको ला देंगे। तो यही चीज देखना है कि हम किसको कन्वर्ट करें। अगर आप साइन को कन्वर्ट कर लोगे तो फिर आपका कास में आ जाएगा, कास में आएगा तो हमारा डेविएशन जो है साइन इनवर्स में है तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप कास इनवर्स को पहले साइन के टर्म में कन्वर्ट करिए। तो LHS आप ले लो cos inverse 12/13 sin inverse 2/5। देखो भैया ध्यान दो, एक छोटा सा ट्रेंगल आपने ले लिया ABC, ये एंगल आपका थीटा हो गया। लेट cos inverse 12/13 इक्वल टू थीटा, this implies that cos theta equal to 12/13। अब देखो cos theta base upon आपका होता है वो आपका होता है base upon hypotenuse, ठीक है, क्या होता है base upon hypotenuse। तो आप देखो base यहां पर कौन है, AB, यानी ये 12 हो गया, hypotenuse क्या है ये थ्री, आपका 13 हो गया। तो आपको perpendicular चाहिए तो उसको पहले निकाल लो। therefore in triangle ABC आपको मिलेगा BC square equal to AC square minus AB square। तो BC equal to root AC की वैल्यू हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस AB 12 का स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 144 रूट 25 इक्वल टू 5। ये कितना आ गया 5। अब हमको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। therefore साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC इक्वल टू 5/13। अब आपको चाहिए क्या, हमें तो चाहिए यहां से थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किसको किया है, थीटा सब्स्टिट्यूट किया कॉस इनवर्स को, या लिख सकते हैं आप कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल साइन इनवर्स 5/13। कोई समस्या, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन पे आ जाए, देन cos inverse 12/13 plus sin inverse 2/5 इक्वल लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पर आप लिखोगे sin inverse 5/13 plus sin inverse 2/5। अभी जस्ट फार्मूला, अच्छा हाँ इसके पहले cos का हमने लगवाया था, sin inverse का फार्मूला देखो, वो फार्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूं पहले। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप देखो एक्स की जगह 12/13, वाई की जगह कितना 2/5, तो उस फॉर्मूले में हम इसको रख दें, ये हो जाएगा इक्वल साइन इनवर्स एक्स यानी कि 5/13 रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी 2/5, इसका स्क्वायर करें कितना आता 4/5 प्लस वाई, वाई मीन्स 2/5 रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस 5/13 का स्क्वायर करेंगे तो 25/169।
ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 रूट 5 × 5, 5 − 4, 1/5, ठीक है। तो साइन इनवर्स की वैल्यू 2/5 है। चलिए प्लस 2/5 यहां हो जाएगा 144/169। देखो 2/5 का स्क्वायर करोगे तो यहां पर मिलेगा 4/25, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा यहां पर 1 − 4/5 यानी हो जाएगा 21/25, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है, थोड़ा क्वेश्चन देख लिया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, यहां पर क्वेश्चन है 3/5, ठीक है। कितना है 3/5, तो ये हो जाएगा आपका जो है 3/5, यहां भी हो जाएगा 3/5। अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, यहां पर 3, ये आपको हो जाएगा 16, ठीक, और यहां पर 3, ठीक है। कोई समस्या फिर से आप देख लो, क्वेश्चन में यहां पे 3/5 है, ठीक है, 3/5 है, ये वैल्यू पूरी वही रहेगी, अपडेट हो गई। यहां से हमने 3/5 रख लिया, ये भी 3/5 है, इसका स्क्वायर 9/25 हो जाएगा, यहां 3/5 हो गया। अब 25 − 1 = 25 − 9 = 16 और ये आपको हो जाएगा 144/69, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13, स्क्वायर रूट लेंगे 4/5 हो जाएगा, प्लस 3/5, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 12/13, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/4 = 20/65, 13/5 = 65, ये आपको हो जाएगा 36/65। इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 65 एलसीएम हो जाएगा, 20 + 36 = 56, ठीक है। कोई समस्या? इस तरह के क्वेश्चन में किसी एक को आपको चेंज करना होगा, चेंज किसको करना है ये डेरिवेशन पे डिपेंड करता है। डेरिवेशन में साइन इनवर्स है इसलिए मैं कॉस इनवर्स को चेंज करके साइन इनवर्स में ला लिया। कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल इसकी वैल्यू हमने ये लिया साइन इनवर्स 5/13, यानी जहां पे कॉस इनवर्स 12/13 है वहां साइन इनवर्स 5/13 हमने पुट अप कर दिया। क्वेश्चन में यहां पे ये वैल्यू रख दिया, अब ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया, वो फॉर्मूला हमने ये लिख दिया, ठीक है, उसको रख के फिर हमने सॉल्व कर दिया। कंप्लीट? कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है आपका 7th, क्वेश्चन नंबर 7, इसको हटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का है, अगर आप सेल्फ कर लें तो अच्छी बात है, लिख दे रहा हूं आप देख लीजिए, क्वेश्चन कन्वर्ट करना उसमें भी है। ये है क्वेश्चन नंबर 7 में tan इनवर्स 63/60 इक्वल साइन इनवर्स 5/13, प्लस आपको मिलेगा उसके बाद यह है कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। अब आप देखो साइन इनवर्स 5/13, कॉस इनवर्स 3/5, इन दोनों को टेन में कन्वर्ट कर लिया जाए, क्योंकि टेन हमको लाना है, क्या लाना है टेन,
देखो आरएचएस आप ले लो साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 ये है। अब दोनों आपके जो अलग अलग है साइन इनवर्स है दूसरा कॉस इनवर्स है ठीक है, तो इन दोनों को टेन में कन्वर्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, और नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है किसी एक को चेंज कर लीजिए, चाहे कॉस इनवर्स को बदल लीजिए और चाहे साइन को बदल लीजिए। जब इसको साइन में बदल लेंगे तो साइन इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स के फॉर्म में वैल्यू आएगी, उस साइन इनवर्स को फिर टेन में कन्वर्ट करना होगा। तो आप देख लो हम करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लेट कर लो कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। एक ट्रेंगल बनाइए फर्स्ट क्लास एबीसी, ये एंगल थीटा हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस आपका 3 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गई, तो बीसी की वैल्यू आपको निकालनी है, जस्ट डायरेक्ट लगवा रहा हूं, अभी हमने आपको बताया था ये पाइथागोरस थ्योरम से 25 - 9 यह आपका हो गया 16 = 4 यानी ये आपका 4 आ गया। तो अब आप देखो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कितना हो जाएगा 4/5, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, और थीटा की वैल्यू है कितनी कॉस इनवर्स, देयरफॉर कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। अब क्वेश्चन में इसकी जगह पे ये वैल्यू रख लें, देन साइन इनवर्स 5/13 प्लस इसकी जगह पर ये वैल्यू रख लें तो साइन इनवर्स 4/5, उसी फॉर्मूले का उपयोग किया जाए ठीक है। जो भी हमने यूज किया वो आपका है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स यानी 5/13 √1 - y² y means 4/5 इसका स्क्वायर करेंगे 16/25 प्लस y यानी 4/5 √1 - x² x मतलब 5/13 इसका स्क्वायर करेंगे 25/169 ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, इसको लिख सकते हैं 25 - 16 9/25 प्लस 4/5 इसको लिखेंगे 169 - 25 144/169 ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 × 3/5 प्लस 4/5 × 12/13 इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 15/65 प्लस 48/65 ये हो जाएगा साइन इनवर्स 65 एलसीएम हो गया 8 + 5 = 13 और 63 तो 63/65। अब देखो साइन इनवर्स वैल्यू आ गई, अब आपको टेन में कन्वर्ट करनी है, किसमें कन्वर्ट करनी है टेन में ठीक है। ये एंगल थीटा ले लिया, इसको लेफ्ट कर लिया जाए, अल्फा ले लो कोई बात नहीं, तो साइन इनवर्स 63/65 इक्वल टू अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू 63/65 तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 63 और 65 ए बी सी या ले सकते हैं पी क्यू आर, तो देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू इक्वल आप मिलेगा रूट 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर,
इसको आप लिख सकते हो 65 का हो जाएगा, देख लें 25 20 52 425 माइनस उसके बाद 63 का भी देख लो 339 18 18 37 9 16 39 69। ठीक है, माइनस कर लो 4 2 2 5 3 9 6 9। ठीक है, तो 15 6 हो जाएगा, 11 5 हो जाएगा, 11 और यहां पे 2 हो जाएगा, 2 5 6। इसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा 16। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 16। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है क्या tan अल्फा। देयरफॉर tan अल्फा आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू आर अपॉन पी क्यू। tan अल्फा इक्वल 63 अपॉन 16। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 63 अपॉन 16। अल्फा हमने किसको माना, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 63 अपॉन 65 इक्वल tan इनवर्स 63 अपॉन 16। कोई समस्या, अच्छी तरीके से देख लें। दो बार हमने कन्वर्जन किया यहां पे, एक बार इसको दूसरी बार इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको हटा रहे हैं, एक क्वेश्चन और देखें, आठवां क्वेश्चन, वो भी बढ़िया है, सॉल्विंग उसमें भी आपको करनी है। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 plus tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8 equal π/4। देखो भैया, LHS आप ले लें, tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8। यहां पे दो दो को एक साथ लेके फॉर्मूला यूज करिए, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा tan इनवर्स, फॉर्मूला x plus y upon 1 minus x y, क्या होता है tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y equal to tan इनवर्स x plus y upon 1 minus x y। उस फॉर्मूले इसको रखा जाए, हो जाएगा 1/5 plus 1/7 upon 1 minus 1/5 into 1/7 plus tan inverse 1/3 plus 1/8 upon 1 minus 1/3 into 1/8। क्लियर है, अब आगे चले सॉल्व करें, tan इनवर्स 7 5 35 एलसीएम हो गया, 7 plus 5, यहां पर 35 एलसीएम, 35 minus 1 प्लस tan इनवर्स, यहां पर 24 एलसीएम, 8 plus 3, यहां पर भी 24 एलसीएम, 24 minus 1, इसको 35 कैंसिल, यहां 24 कैंसिल, tan इनवर्स 7 plus 5 12 upon 34 plus tan inverse 11 upon 23। इसको आप छोटा कर सकते हैं, 17 6, tan inverse 6 by 17 plus tan inverse 11 upon 23। अगेन फिर से आप इस फॉर्मूले का उपयोग करें यहां। ठीक है, तो जब उस फॉर्मूले के यहां उपयोग करोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई सिक्स अपॉन सेवनटीन प्लस इलेवन अपॉन ट्वेंटी थ्री अपॉन वन माइनस सिक्स अपॉन सेवनटीन इंटू इलेवन अपॉन ट्वेंटी थ्री। इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स, एलसीएम ले लो, ठीक है, सेवनटीन थ्री जा फिफ्टी वन और थ्री नाइन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन सिक्स थ्री जा एटीन और ट्वेल्व वन थर्टी प्लस इलेवन सेवन जा सेवेंटी सेवन, इलेवन जा वन प्लस सेवन एटीन। इसको आप लिखोगे थ्री नाइनटी वन माइनस सिक्सटी सिक्स अपॉन थ्री नाइनटी वन, ये कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स एट सेवन फाइव फोर ट्वेल्व थ्री टू फाइव अलेवन सिक्स फाइव एट सिक्स टू थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा टेन इनवर्स वन। इसको लिखेंगे टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर और ये हो जाएगा क्या, ये आपको कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कल अपडेट होंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए और पिछले को रिवाइज करिए। थैंक यू।